पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री के कामकाज की सराहना की, साथ ही राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति 30,000 रुपए का पिज्जा खाता हो उसे गरीबी क्या दिखेगी। वहीं विशेष राज्य के दर्जे पर गिरिराज गोल मठोल बयान देते हुए नजर आए। विशेष राज्य प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिहार के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं, और हम उसमें बिहार के एक एक कदम के साथ सोने की चम्मच लेके पैदल लिए। जब 10 साल वो प्रधानमंत्री डिफेक्टो थे तो एक गरीब कलावती के घर में गरीबी सीखने गए थे, तो और उसकी भी गरीबी नहीं मिटा पाए, तो उन्हें मालूम ही नहीं है। वो 30,000 का पिज्जा खाते तो 12,000 की नौकरी उन्हें कहां से पता चलेगा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी ने सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। शक्ति यादव ने कहा कि बिहार में हर महीने 200 से ज्यादा हत्याएं और 100 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं होती हैं, मगर इसके बावजूद सरकार राज्य में सुशासन का ढोल पीट रही है। आम लोग सुरक्षित नहीं है, अमंगल का साया बिहार पर भी पड़ गया है। जो आंकड़े आ रहे हैं सरकारी आंकड़े प्रतिमा घटनाओं के उचौकाने वाले हैं। प्रतिमा जो मर्डर का जो घटना है वो 233, 98 रेप की घटनाएं हैं, 725 किडनैपिंग की घटनाएं हैं, फिर भी ईडी अलगा अलगा कर करके इनके लोग, इनके प्रवक्ता कानून की राज की दुहाई दे रहे हैं। हाथ तो तब हो जाता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जिनके ऊपर महती जिम्मेदारी है, न डिबेट है न इस पर किसी प्रकार का हेडलाइन बनता है। झारखंड में भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन करने से रैयतों को कोई नुकसान नहीं है, ये मानना है पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का। उन्होंने कहा, भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार को सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से मिलकर विचार करना चाहिए। इसके अलावा नीति आयोग की बैठक पर भी यशवंत सिन्हा ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, बैठक में मुख्यमंत्री डिमांड रखते हैं और अपनी उपलब्धियां भी गिनवाते हैं। आकलन करना चाहिए, सही अध्ययन करना चाहिए, और उसमें अगर संशोधन में ऐसी बातें हैं जिससे रैयतों का नुकसान होगा और मुख्य रूप से ये होगा कि उनको उनकी मर्जी के बगैर ज़मीन देने को बाध्य किया जाए, मुख्य रूप से ये होगा कि उसमें समुचित मुआवजा नहीं मिले, तो ये ठीक प्रावधान नहीं होंगे। हमने कोई उसका अध्ययन नहीं किया है, लेकिन दोनों तरफ के जो विचारों को देखा है तो मुझे लगता है कि और इसमें स्टडी करने की आवश्यकता है। तो आगे तो समाधान का रास्ता कुछ निकलना चाहिए। आखिर देखिए, प्रजातंत्र जो है वो एक तरफा नहीं है कि जो पार्टी बाहर में है वही प्रजातंत्र चलाए, विपक्षी भी प्रजातंत्र के उतने ही सम्मानित भाग हैं, अंश है। इतना सरकार है, मुख्यमंत्री जाकर अपनी बात को रखने हैं, अपने राज्य की बात को रखते हैं, और उसके बाद केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो उन डिमांड्स को लेकर क्या करें। जैसे आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश स्पेशल स्टेटस लेकर दुखी हुआ और एनडीए से बाहर भी चला गया, फिर वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कल की मीटिंग में स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उठाया। बिहार के नीतीश कुमार जी ने भी स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उठाया है और राज्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाए हैं। अब आगे भारत सरकार को तय करना है कि वो क्या करती है। प्रधानमंत्री मोदी के 4 साल पूरे होने पर धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने डीसी रेल लाइन के लिए 625 करोड़ रुपए का बजट पास किया है, नए रूट का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। साथ ही सांसद कोयलांचल में बिजली की समस्या के जल्द निदान का आश्वासन देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, हर साल गर्मी के मौसम में बिजली और पानी की दिक्कतें सामने आती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रतिबद्ध हैं। और उसके लिए हमारी सरकार गंभीर है, 625 करोड़ रुपए का योजना पैरेलल रेलवे लाइन बिछाने के लिए बजटीय प्रावधान कर दिया। अब वह टेंडर की ओर जाएगा, डीपीआर की ओर जाएगा और टेंडर होकर इसमें समय लगेगा। जब परिस्थिति या पुरानी समस्या थी, पुराने उसको चलने दिया, जब आग सट गया
रेलवे लाइन में, तो यह बदनामी का सेहरा। पत्थलगड़ी को लेकर पुलिस बेहद गंभीर नजर आ रही है। आईजी आशीष बत्रा ने कहा कि कितना भी बड़ा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें आईजी का ये बयान पत्थलगड़ी के मुख्य आरोपी यूसुफ पूर्ति को लेकर दिया गया है। यूसुफ पूर्ति पर पत्थलगड़ी को लेकर लोगों को भड़काने का आरोप है और वहीं उस पर अन्य 9 केस दर्ज हैं, लेकिन पुलिस उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस झारखंड सरकार पत्थलगड़ी के तरफ उसकी पॉलिसी एकदम क्लियर है। उसमें जो लोगों को उकसा कर करके बहकाने की कोशिश कर रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मुझे नहीं पता ये आपको कहाँ का आप बता रहे हैं, थाना के पास में या क्या था। इसमें अभियुक्त जो इन्वॉल्व हैं जिन्होंने लोगों को उकसाने के लिए, उनको हम लोग चाहे वो कलकत्ता में हो चाहे वो दिल्ली में हो, हम लोग वहाँ से भी उनको पकड़ कर करके लाए हैं। और यूसुफ पूर्ति हो या कोई और भी हो, जो भी लोगों को भड़का कर कर करके एक संविधान के खिलाफ अगर कोई किसी प्रकार की लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहा है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई।